हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी रेसिपी दिख रहा है ना फ्रेंड। तो इसी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। और वैसे ये एक आयुर्वेदिक सब्जी भी है, बहुत सारे फ़ायदा होता है। तो इसे आप शायद जानते होंगे, आयुर्वेदिक में इसे कंठकारी या कटेरी बोलते हैं। उसी की सब्जी मैं बनाई हुई हूँ, जो कि स्वास्थ्य के लिए फ़ायदे तो होता ही है, खाने में भी टेस्टी लगता है। और इसकी मैं दो तीन रेसिपी भी शेयर की हुई हूँ, तो आप मेरी यूनिक रेसिपी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये मैं बनाई हूँ इसे खट्टे में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए पहले इसे हम जाते हैं तोड़ने के लिए। मेरे घर के सामने में बस इसका पेड़ है, मतलब पेड़ नहीं है, बस ये अपने से उगा रहता है, ऐसे कटीला होता है और नीचे ज़मीन में ही फैला होता है। जहाँ पर काला मिट्टी अच्छे से हो तो थोड़ा सा वहाँ पर फैल जाता है। तो ये मेरे घर के बाहर मिट्टी वगैरह है, वहीं पर ये फैला हुआ है। तो ये बिल्कुल भांटा की तरह दिखता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका आकार कैसे दिखता है। ये देख सकते हैं बिल्कुल भांटा, एकदम छोटा सा रूप है भांटा के जैसे दिखता है। और ये छोटा छोटा होता है, इसका फूल जो है वो भी भांटा, बैंगन, ब्रिंजल हम जिसे बोलते हैं, उसी के जैसे सेम फूल भी होता है, जो कि पर्पल कलर का है। और इसका फूल जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका फूल का जो अंदर जो पराग रहता है येलो कलर का, उसे खांसी के लिए यूज़ करते हैं, खांसी में, खांसी बहुत जल्दी ठीक होता है उससे। तो ये देख सकते हैं बहुत सारा इसमें फला हुआ है और बहुत सारा जो है पक भी गया है इसका। तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, पक जाता है, तब ये अच्छा नहीं लगता है सब्ज़ी में। तो थोड़ा छोटा साइज ही ठीक लगता है जब ये अच्छा हरा रहता है। तो हरा हरा को ही मैं तोड़ रही हूँ, और इसे थोड़ा तोड़ने का काम थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कांटा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे मैं कैंची से ही कट कर करके लेके आई हूँ। तो इसका फूल देख सकते हैं, इसका फूल जो है बिल्कुल बैंगन का फूल की तरह है ये, और ग्रीन कलर का जो बैंगन होता है सेम वैसे ही हमारे ये कंठकारी या कटेरी वो दिखता है। और इसका जो बीज होता है कटेरी का, उसका भी बहुत फ़ायदा होता है। दांत दर्द अगर है तो कटेरी के जो बीज है उसे गर्म पानी में डाल के उसका जो भाप है उसे मुंह पे लेते हैं, तो उससे ठीक हो जाता है दांत का दर्द या दांत का कीड़ा निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक है, फ़ायदेमंद है। इसका डिटेल और कभी कोई वीडियो में बताऊंगी, बस इतना ही आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं कांटा कितना इसमें लगा हुआ है, पकड़ने के टाइम भी आसानी से नहीं पकड़ाता है, थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना पड़ता है। तो इसीलिए इसको साफ़ करने का तरीका यही है कि इसे कांटे को हम यहाँ पर कोई भी खलबत्ता जो है मेरा छोटा सा, उसी का ये है, उसी से मैं इसको, इसका जो कांटा है उसी को थोड़ा सा कूट दे रही हूँ, जिससे कि कांटा जो है वो मतलब मुरझा जाएगा और उसके बाद इस साइड का जो फल है वो निकल जाता है। तो इसका निकालने का तरीका यही है, इसका साफ़ करने का, कांटे को पहले आप दबा दीजिए अच्छे से। तो ये जो निकल रहा है बैंगन टाइप से जो छोटा छोटा, उसे ही हमें सब्जी बनाना होता है। तो उसके अंदर का बीज को भी साफ़ करना पड़ता है, उसके बाद इसे हम सब्जी बनाते हैं। बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है खाने के लिए इसे, क्योंकि साल में एक दो बार खाना ही चाहिए अगर हमको मिल रहा है ये चीज़। तो सभी को बस ऐसे ही साफ करना रहता है। तो ये देखिए सभी कैसे दिखता है, इसका फ़ोटो आप देख सकते हैं। और उसके बाद सभी को साफ़ करने के, सबको मैं पहले कूट के निकाल ली हूँ, उसका जो कांटा है उसे अलग कर ली हूँ। और इसके बाद इसके अंदर का जो बीज रहता है उसे निकालना होता है, और उसके बाद इसे हम पानी में डुबा देते हैं और पानी में अच्छे से धोते हैं। बीज बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि बीज जो है वो कड़वा होता है, तो बीज से, बीज को हमें निकालना ही पड़ता है। तो देख सकते हैं इसको मैं बीज को पूरे निकाल दी हूँ, इसे पानी में अच्छे से धो धो के निकाल दी हूँ और बीज बिल्कुल भी नहीं है। तो सभी का बीज मैं निकाल दी हूँ और इसका जो छिलका है बस इसी का हमें सब्जी बनाना होता है। तो देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है ये, और ताज़ा ताज़ा बनाओ तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके लिए थोड़ा सा मसूर भिगा के रखी थी, अब इसी मसूर में उसे डाल दूंगी और थोड़ा सा इसे उबाल लेती हूँ, मसूर और जो कटेरी हम लेके आए हैं उसे। तो इन दोनों को उबाल देती हूँ। अब इसके बाद हम सब्जी बनाएंगे, इसे आप अलग अलग उबाल लीजिए चाहे एक साथ उबाल लीजिए, पर उबाल कर बनाना होता है। और उसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम करते हैं थोड़ा सा सब्जी के लिए। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एकदम ज़्यादा ही टेस्टी लगता है, भाटा से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके लिए मैं एक प्याज और दो टमाटर कट कर ली हूँ छोटा छोटा बारीक बारीक टुकड़ों में।
और देख सकते हैं मिर्ची को भी खड़ा खड़ा मिर्ची ली हूँ, खट्टा सब्जी है इसलिए थोड़ा सा मीठा। नीम का पत्ती है। तेल गर्म होने पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा सरसों डाल रही हूँ, हींग डाल रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा डाल दूँगी यहाँ पर हरी मिर्च। तो प्याज अच्छे से भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे इतना हल्दी पाउडर। अब देख सकते हैं प्याज भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ये बहुत टेस्टी सब्जी होता है फ्रेंड्स, और साथ में ये जो है आयुर्वेदिक सब्जी भी होता है, आयुर्वेदिक है, बहुत सारा फ़ायदे होता है। तो अगर आपको ये मिलता है तो आप इसे बना कर खाइए। रेसिपी भी बहुत सरल है, ईजी है, बनाना कोई मुश्किल भी नहीं है और ये जो है मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर आपके आसपास साफ़ सुथरी जगह में कहीं पर अगर ये उगा है तो आप इसे तोड़ कर ला के इसी टाइप से इसका सब्ज़ी बना सकते हैं। इसका फूल जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, फूल को भी आप तोड़ के ला सकते हैं। खांसी वगैरह में उसे आप तड़का लगा के उस तेल को बच्चे वगैरह को पिला सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर खट्टे में बना रही हूँ, तो ये जो है मेरा थोड़ा सा दही है, करीब एक कप दही है। दही में एक चम्मच बेसन में फेंट लेती हूँ और पानी डाल के इसे हम पतला कर लेते हैं। अगर आपके पास बटर मिल्क या मही छाछ है तो आप उसमें बना सकते हैं, और उसमें भी एक चम्मच बेसन आप फेंट लीजिए। और उसके बाद मसूर और जो मैं उबाली थी कटेरी उसे डाल देती हूँ, और यहीं पर हम डाल देंगे जो हमारा दही या फिर जो मही जो भी खट्टे हम लिए हैं उसे डाल देते हैं। और अगर लगता है आपको तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लीजिए। अब देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा आ गया है ये जो हमारा सब्जी है उसका। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस इतना ही मसाला इसमें डालना रहता है खट्टे सब्जी में, बाकी और कुछ ज़रूरत तो है ही नहीं। देख सकते हैं उबाल आना भी शुरू हो गया है और दिखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है सब्जी जो है, खाने में भी उतना टेस्टी लगता है जितना अच्छा दिख रहा है, और साथ में आपके हेल्थ के लिए भी फ़ायदा होता है। तो ये देखिए इसे एक बाउल में ले ली हूँ सब्जी बनने के बाद, तो देख सकते हैं कितना सुंदर यम्मी डिश दिख रहा है। तो आप भी बनाइए, बताइए कैसा लगा आपको भी ये वाला रेसिपी। और अगर नहीं देखें जुड़े हैं मेरे चैनल से अभी तक से आप, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ऐसे ही यूनिक यूनिक रेसिपी आपको देखने को मिलेंगे। और भी यूनिक रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कीजिए, और भी बहुत सारी यूनिक यूनिक रेसिपी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, अगले वीडियो